नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अफगानिस्तान की महिला सांसद हैं, नाम है रंगीना करगर, जिनको लेकर अब भारत को ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी बल्कि उन्हें स्पेशल ऑफर भी देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान की सांसद रंगीना करगर ने यहां तक कह दिया कि गांधी के भारत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए जानते हैं। अफगानिस्तान की महिला सांसद रंगीना करगर 20 अगस्त को भारत आई थी और उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस इस्तांबुल डिपोर्ट किए जाने का दावा किया था। रंगीना इससे काफी आहत भी हुई थी और उन्होंने भारत सरकार पर अपराधियों जैसा सलूक करने का आरोप भी लगाया था। अब भारत सरकार से इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार ने इसे अनजाने में हुई गलती करार दिया है। भारत में मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर नेताओं को जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काबुल से भारतीयों के रेस्क्यू और ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में जानकारी दी थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी ने अफगानी सांसद रंगीना करगर को डिपोर्ट किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया, विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के एक अनुभवी राजनेता के खिलाफ ऐसा कदम क्यों उठाया जो अक्सर भारत की यात्रा करती हैं और एक राजनयिक पासपोर्ट भी रखती हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए भी यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, मुझे उम्मीद है कि एस जयशंकर सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट करेंगे कि अफगानिस्तान की इस महिला सांसद को भारत से निर्वासित क्यों किया गया जबकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज थे। जब हमें अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ खड़े होने की जरूरत है, हम उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। भारत सरकार इस मुद्दे पर घिरती नजर आई तो सफाई आना भी लाजमी था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सर्वदलीय बैठक में सरकारी अधिकारियों ने कहा, ये एक अनपेक्षित गलती थी। तालिबान की ओर से भारतीय वीजा वाले कुछ पासपोर्ट छीन लिए जाने की रिपोर्ट के बाद घबराहट थी, इस बीच अनजाने में ये गलती हो गई। सर्वदलीय बैठक की जानकारी देते हुए राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने अफगानी महिला सांसद के निर्वासन का मुद्दा उठाया जिस पर उन्होंने कहा कि ये गलती थी और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी, सरकार को इस पर खेद भी है। जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने रंगीना करगर से भी बात की। रंगीना ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया, भारतीय विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने मुझसे बात की, जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने मुझसे ई आपातकाल वीजा के लिए आवेदन करने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या राजनयिक पासपोर्ट अवैध नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए 19 अगस्त को ई वीजा की कोशिश की थी लेकिन आवेदन का कोई जवाब नहीं आया। बता दें कि रंगीना करगर का कहना था कि 20 अगस्त को साउथ दिल्ली में एक डॉक्टर के पास उनका अपॉइंटमेंट था और 22 अगस्त को इस्तांबुल का वापसी टिकट था, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। जब उन्होंने रोके जाने की वजह पूछी तो अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अपने सीनियर से बात करनी होगी। रंगीना ने दावा किया कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक उन्हें रोका गया, फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। इसी के बाद अफगानी सांसद रंगीना करगर ने कहा कि मेरे साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया, मुझे गांधी के भारत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल रंगीना करगर के मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने मसला हल कर दिया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। We'll be right back.